क्या आप जानते हैं कि इस साल बिहार में मॉनसून की धीमी रफ्तार के चलते औसत वर्षा में भारी कमी आई है? जी हाँ, इस वजह से उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। आसमान में बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन उमस इतनी ज्यादा है कि लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, आज यानी 25 जुलाई से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सोनी कुमारी के अनुसार बिहार के दक्षिणी हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। अब आइए जानते हैं कि मॉनसून का हाल क्या है। वैज्ञानिक सोनी कुमारी के अनुसार मॉनसून की द्रोणी रेखा बीकानेर, सिक्कर, ग्वालियर और डाल्टनगंज से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में 7.6 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जिसके चलते बिहार में मॉनसून की गति धीमी हो गई है। बारिश हो रही है, लेकिन सामान्य से काफी कम, जिसके कारण औसत वर्षा में गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात करें आज के मौसम की, तो दक्षिण बिहार और उत्तर पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर बिहार के एक दो जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। फिलहाल इस महीने तेज बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं वर्षा के आंकड़ों की। 24 जुलाई तक बिहार में सिर्फ 308.5 मिमी बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 29% कम है। अब तक 432.2 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। 5 जिलों में बारिश की कमी 50% से भी अधिक है। वैशाली, सारण, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा, किशनगंज, सीवान और पश्चिम चंपारण को छोड़कर बाकी सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। मॉनसून द्रोणी रेखा, जो मानसून की गतिविधियों को नियंत्रित करती है, इस बार बिहार से दूर है। यह रेखा बीकानेर, सिक्कर, ग्वालियर और डाल्टनगंज जैसे शहरों से गुजर रही है, जिसके कारण बिहार में बारिश की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना चक्रवातीय परिसंचरण भी बारिश में कमी का कारण है। इस साल की बारिश की कमी का असर सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है, इसका असर फसलों पर भी पड़ रहा है। किसान, जो मानसून की बारिश पर निर्भर होते हैं, उन्हें इस कमी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और बारिश की कमी से फसल बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून की रफ्तार में थोड़ी तेजी आने की उम्मीद है, जिससे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि यह देखना होगा कि यह बारिश कितनी प्रभावी होती है और क्या यह बारिश की कमी को पूरा कर पाती है या नहीं। अब बात करते हैं कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें पानी की बचत करनी चाहिए। बारिश की कमी से जलस्तर में भी गिरावट आ सकती है, इसलिए पानी का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें खेती के तरीकों में बदलाव लाने की भी जरूरत है। कम पानी में भी अच्छी फसल देने वाली किस्मों का चयन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी बिहार के मॉनसून की ताजा जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम में सुधार होगा और हमें गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।